बढ़ते आगे रुकड़ी की बड़ी खबर का, जहां बहादुरगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। दरअसल 7 जुलाई को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है, वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान भी हो सकता है। बहादुरगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने हुंकार भर दी है। 7 जुलाई को करनाल में सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है, वहीं विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। योगेंद्र सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, एनएचएम कर्मचारियों ने हुंकार भर दी है, 7 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है, इसके अलावा उनकी कुछ मांगे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया जा सकता है। जो है वो आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की, उन्होंने साफ तौर पर ये एक चेतावनी सरकार को दी है कि उनकी मांगे यदि नहीं मानी जाती हैं तो वो आगे आगामी समय में एक विशाल आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके अलावा 7 जुलाई कर्नाटक में मुख्यमंत्री आवास का वो घेराव करने की भी उन्होंने बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 एनएचएम कर्मचारी हैं जो दिन रात स्वास्थ्य विभाग में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही कोविड काल के दौरान भी उन्होंने अपनी सेवाएं अपनी जान जोखिम में डालकर दी, लेकिन वो कर्मचारी जो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं उनको ना तो पक्का किया जा रहा है और ना ही उन्हें दूसरी सुविधाएं जो पक्के कर्मचारियों को दी जाती हैं वो उनको दी जा रही है। साथ ही उनको ये भी कहना है कि जो काम के कर्मचारी करते हैं वही एनएचएम के कर्मचारी कर रहे हैं, सरकार उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो को दी जाती हैं। ऐसे में उनके सामने जहां रोजी रोटी की समस्या पैदा हो जाती है, साथ ही अब पिछले 2 महीने से उनका वेतन भी सरकार द्वारा रोक दिया गया है, तो इसको लेकर के काफी आक्रोश यहाँ पर जो है एनएचएम कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने खुले तौर पर ये सरकार को चेतावनी दी है कि फिलहाल 7 जुलाई को तो सीएम आवास का घेराव वो करेंगे, इस अलावा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो बड़े किसी आंदोलन का यहाँ पर रूपरेखा तैयार करेंगे और सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।